हेलो फ्रेंड, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। आज का जो हमारा कॉइन है जी, वो बड़ा मज़े का होने वाला है। ये जो कॉइन है इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये जो साउथ कोरिया का जो कॉइन है तो लैंग्वेज वहाँ पे कोरियन जो है वो चलती है, और ये जो करेंसी है वो वॉन है, न्यू वॉन। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ओल्ड कॉइन है 1986 का। तो डिज़ाइन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं जी क्या देखने को मिलता है। तो 1986 का कॉइन है, ऊपर ये देखें ये नज़र आ रहा है। अच्छा जी, और जो राउंड है सर्कल बीडिट है, ये देखें ये नुक्ते दाने दाने दाने, ये आप आउटसाइड आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद 1986 जो डेट है वो मेंशन है, नीचे 10 है, और जो 10 के नीचे है जी वो कोरिया में जो वो लिखी हुई है, और ये जो इसका जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो बनता है बैंक ऑफ कोरिया, 10 वॉन, बैंक ऑफ कोरिया। बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, ये फ्रंट साइड का जो है सिंपल लेटरिंग है इंग्लिश में, जिसमें डेट आ गई है 10, जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो आ गया है, और नीचे सिंपल कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है बैंक ऑफ कोरिया। तो ये है जी 10 वॉन, 10 वॉन, जो साउथ कोरिया का बड़ा सिंपल और अच्छा सा बीडेड सर्कल वाला डिज़ाइन। तो दूसरी साइड पर चलते हैं, तो देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। देखें जी, इस साइड पे कोई इंग्लिश लेटरिंग या न्यूमेरिकल लेटरिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। ये देखें जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अच्छा जी, और सर उस साइड पे फ्रंट साइड पे हमें जो बीडेड सर्कल थे वो देखने को मिले थे, बट इस साइड पे जो है वो हमें देखने को नहीं मिले। सिंपल एक डिज़ाइन जो है उसको इनग्रेव ऊपर किया हुआ है, ये टेंपल टाइप सा कुछ हमें जो वो नज़र आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है। यह है जी डेपू टाइप पगोड़ा, कुछ टेंपल आप कह सकते हैं इसको। जो प्लेस है, जो जगह है, ज्योंगजू में ये जो जगह है, जो सिटी है, जो स्टेट है, हिस्टोरिकल बहुत मशहूर साउथ कोरिया की जो स्टेट है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ज्योंगजू डापोटाप पगोड़ा इस जगह का नाम है। तो ये बड़ी अच्छी इंग्रेविंग है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें ये टेम्पल सामने, ये देखें नज़र आने को नज़र आ रहा है टॉप पे, बड़ी अच्छी इंग्रेव है। ये देखें ये टेरेस टाइप, फिर ये टेंपल के एजेस, ये कोई बैठा हुआ है जैसे टेंपल में जो उनके पुजारी पूजा करने वाले बैठे होते हैं। ये सीढ़ियाँ सी हमें नज़र आ रही हैं, ये बड़े बड़े पिलर से हमें नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही एंटीक एक ट्रेडिशनल जो है वो टच दिया गया है, नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ जो ये लेटरिंग हमें देखने को मिल रही है कोरिया की, वो है जी ये वाली। ये देखें एक साइड पर 10 और एक साइड पर वॉन जो है वो लिखा गया है, जो उसकी ट्रांसलेशन जो बनती है। ये कोरियन लैंग्वेज है इसलिए एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं इतना पता, बट ये जो इसकी जो ट्रांसलेशन है उसके पास पास ये 10 वॉन ही जो है वो कोरिया में इसको लिखा गया है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये 10 वॉन जो उसकी ट्रांसलेशन है वो बनती है। और ये जोंगजू जो है वो जी साउथ कोरिया में एक हिस्टोरिकल, जहाँ पे काफ़ी इस तरह के टेंपल और इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। तो ये डापो टाप जो है ये वहीं पर पाया जाता है, और ये खजाने का कोई जो है वो खजाने का मंदिर या टेंपल भी कहलाया जाता है। ये था जी आज का हमारा क्वाइन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डिफरेंट डिज़ाइन था, अच्छा था, ट्रेडिशनल डिज़ाइन था। तो एजिस में कुछ ख़ास जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, सिंपल है एज भी जो है। तो दवाओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, ताकि और इस तरह के जो एंटीक और डिफरेंट कॉइन्स हैं वो हम आपके लिए लाते रहें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।